चौधरी और संजीव बालियान दोनों एक साथ मुजफ्फरनगर के कैंपेन में रोड शो में। जैन जी, कैसा चुनाव चल रहा है? बहुत अच्छा है, एक तरफा चुनाव है, ऐसा चुनाव शायद मैंने देखा अपने राजनीतिक अनुभव में। लोगों ने मन सा बना रखा है और बहुत आत्मविश्वास के साथ जमीन पे, चाहे हमारा वर्कर हो, बीजेपी का वर्कर हो, साथ तालमेल बना के काम कर रहे हैं। बालियान जी, गर्मी तो बहुत है, चुनावी गर्मी दिख रही है या नहीं दिख रही है? ठंडा चुनाव लग रहा है इसका? देखिए, इन लोगों को देख के आपको गर्मी लग रही होगी जरूर, ये ट्रैक्टर पे जो पिछले एक घंटे से आपको आगे भी नहीं निकलने दे रहे, इससे ज्यादा गर्मी और कहाँ आई। जैन जी, एक सवाल है, जो मुजफ्फरनगर का चुनाव है वो प्रैक्टिकली मान लीजिए जो वेस्टर्न यूपी का मेन चुनाव यहीं से ही होता है, और अगर 2019 में देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन अनथिंकेबल था कि जयंत चौधरी और संजीव बालियान इकट्ठे एक रथ में कैंपेन कर रहे होंगे, क्योंकि 2019 के इलेक्शन में इन्होंने आपके पिताजी को मात्र 6000 वोटों से हराया था, 5-5 लाख वोट दोनों के पड़े थे। राजनीति है या क्या है? जब नंबर वन और नंबर टू दोनों मिल जाएंगे तो जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे, आमने सामने थे, जब हाथ मिला के साथ चलेंगे तो गति के साथ चलेंगे और कुछ अच्छा करने के लिए चलेंगे। बालियान जी, कभी सोचा था जो बिल्कुल टक्कर का एक जो फाइट होता था मुजफ्फरनगर में, जो चौधरी अजीत सिंह के आप खिलाफ थे, कि ऐसा कभी होगा जयंत जी के साथ बैठकर एक चुनाव लड़ेंगे मुजफ्फरनगर का? आप हमारे गांव नहीं जानते, हमारे गांव, हमारा किसान यही चाहता था कि दोनों पार्टियां एक हों, क्योंकि यहाँ का जो किसान है, जो भी वर्ग है, वो लोकदल को दिल से प्यार करता है। चौधचरण सिंह की, वो चौधचरण जी ऐसे नायक है, यहाँ उन्हें आप ये कह सकते हैं भगवान के बराबर का दर्जा है क्षेत्र, तो लोकदल से भी प्यार करता था और मोदी जी से प्यार करता था, तो जनता की भावनाएं नीचे यही थी कि दोनों दल किसी तरह से एक हो जाए। जैन जी, जैसे ये चुनाव गया है बिल्कुल, अगर 2019 का चुनाव अगर हम देखें बिटवीन आरएलडी और जो बीजेपी में लड़ा गया था, अगर अंग्रेजी में उसे ब्लड फ्यूड टाइप कहेंगे, जो आपका काडर है वॉज कम्प्लीटली अलाइंड टू द कॉज ऑफ द आरएलडी, अजीत सिंह, चौधरी, जयंत सिंह, आपको लगता है वो वोट ट्रांसफर हो पाएगा बीजेपी को या मुश्किल रहेगा? राजनीति में साथ गठबंधन करने का निर्णय इसलिए लिया जाता है कि आपके कार्यकर्ता, आपके मुद्दे, और वो ट्रांसलेट हो वोट में। अगर आप किसी को राजनीतिक ना फायदा ले पा रहे हो ना दे पा रहे हो, आपसे कोई गठबंधन क्यों करेगा? वर्कर इस बात को अच्छी तरह समझता है, अगर वो चाहता है कि लोकदल के मुद्दे आगे हों, मुझे ताकत देना चाहेगा, तो वो जहां हम लोगों ने फैसला लिया वहां उसके पक्ष में मतदान करेगा और कराएगा। जो आपका लोग लड़ रहे हैं वहां मजबूती से लड़ेगा, जहां बीजेपी लड़ रही है उसको लड़ाएंगे। पर जो आपका वोटर था जयंत जी, जिसने झंडा लेकर, जो आपका कार्डर था, बालियान जी के अगेंस्ट कैंपेन किया था, वो इनके फेवर में झंडा उठाएंगे? देखिए, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती, मुद्दों के लिए हम राजनीति करते हैं कि हमारे मुद्दे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब आप किसानों की अगर आप देखें, जो लोकदल का एक मेन सपोर्टर है वो किसान वर्ग है, और उन किसानों के लिए हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जो सरकार भारत रत्न का जो हाईएस्ट, जो सबसे सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है, पुरस्कार है, अगर वो सम्मान चौधरी चरण सिंह जी को सरकार दे रही है, तो इच्छा शक्ति जो उनको किसानों के लिए जो सोच है, जो विजन है, जो प्लानिंग है, वो उसे उन्होंने प्रदर्शित किया, तो जो सरकार के अच्छे काम रहे, सीधा आज लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। पहले योजना अच्छी लगती थी सुनने में, वो जमीन और धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देती थी, सरकारी दफ्तरों में बंद हो जाती थी, सरकारी फाइलों में कैद रह जाती थी, आज जमीन तक वो बातें पहुंच रही हैं, और ये सब लोग महसूस करते हैं। हमारे वर्कर भी आके कहते थे कि ये काम सरकार ने अच्छे किए, जहां कोई कमी रही हो, कसर रही हो, अब हम लोग अब साथ हैं, सरकार में भी हम लोग साथ हैं, यूपी में भी साथ हैं, और दोबारा हम मैंडेट ले रहे हैं, 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है, जब उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे तो किसान देश का विश्वास कर सकता है कि थर्ड टर्म में मोदी जी और अच्छा काम, बेहतर काम किसान का, मेरे वर्ग के लिए करेंगे। बालियान जी, जब 2019 में सपा, आरएलडी, बसपा तीनों को आपने हरा दिया, एक कंबाइन थी, तो इस बार आरएलडी की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, पहली बात तो ये समीकरण होते हैं, जो साहब बहुत बड़े नेता थे, मैं उनके सामने में हमेशा यही कहता था, बहुत बड़े नेता थे, मैं कुछ नहीं था, समीकरण होती है तो परिस्थितियां होती हैं, और आपको इस अलायंस को अगर देखना है जमीन पे उतरा है नहीं उतरा है, तो आप मेरे साथ इसके बाद किसी गांव में चलना। और ये जो ट्रैक्टर पर दो झंडे दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल का, भारतीय जनता पार्टी का, ये गवाह है कि गठबंधन जमीन पर उतर चुका है और सब लोग एक साथ हैं,
गांव के विवाद समाप्त हुए हमारे यहाँ। बहुत से गांव ऐसे थे जहाँ बहुत दिनों से विवाद चल रहे थे पॉलिटिकल, एक मिनट नहीं लगी। बल्कि आप ये कहिए, पिछले बहुत दिनों से किसी गांव में कोई विवाद नहीं रहा, सबने बैठ कर फैसले कर लिए, सब सुलझा लिए, सब एक परिवार के। असली फायदा गांव के स्तर पर इस गठबंधन का हुआ है, सब विवाद समाप्त है, भाईचारा बहुत अच्छी तरह से। और ये सड़क मैं आपको बता दूं, ये सड़क वो सड़क है जैन चौधरी जी, इस पर पदयात्रा की थी समाजवादी पार्टी सरकार ने, याद है मैंने इंटरव्यू किया था इनका। ये वही सड़क है, अब ये नेशनल हाईवे है। तो ये बदलाव है और लोग चाहते हैं बदलाव है। और राष्ट्रीय लोकदल के आने के बाद किसान के जो इश्यूज हैं वो ज्यादा मजबूती के साथ सरकार के सामने रखे जाएंगे और ज्यादा इस पर काम होगा। जयंत जी, बस आखिरी 5 मिनट लूंगी आपके। बिल्कुल चुनाव के पहले गठबंधन तोड़ना, एक नया गठबंधन करना राजनीतिक है या वैचारिक है बीजेपी के साथ? एक रणनीति के साथ फैसले लिए जाते हैं, वो भी राजनीति और राष्ट्र नीति है। जिस नेता के पास कोई रणनीति नहीं, कोई विजन नहीं है या भविष्य में क्या चीज होंगी, क्या बेहतर संभावना है, कैसे हम लोग ढूंढ सकते हैं, अगर वही सोच नहीं है तो हम कुछ किसी लायक नहीं है। मेरे पार्टी के वर्कर मुझसे उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक फैसले मैं ऐसे लूं कि हम लोग सत्ता में हम लोग शामिल हों और हमारे मुद्दे कामयाबी हमें मिले, कि मुद्दों का हल निकाल पाए, समाधान ढूंढ पाए। और उसी ओर मैंने फैसला लिया, कोई मलाल नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा विवाद नहीं है, समाजवादी दल के साथ हमने काम किया है। लेकिन इससे पहले हमने बीजेपी के साथ भी हम चुनाव लड़ चुके हैं, 2009 में मैं चुनाव लड़ चुका हूँ बीजेपी के साथ। तो ये मूलतः तो वैचारिक होता है, अगर आपके पास विचार नहीं है, कोई विचारधारा को लेकर आप चल नहीं रहे तो आप सस्टेन नहीं कर सकते लंबे तक। तो वैचारिक है या रणनीति? जो वैचारिक होगा वही लंबे समय तक कामयाब होगा। तो जो पहला गठबंधन था सपा के साथ, वैचारिक था या वो राजनीतिक था? देखिए, सपा और हमारा पुराना साथ है, चौधरी चरण सिंह जी के उस दौर में जो नेता निकल के आए, आज भी सबकी एक दूसरे के लिए एक अफिनिटी, एक भावना है, मैं उसे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन जो समाजवादी जिस तरह से आज निर्णय ले रही है, फैसले ले रही है, कहीं कोई भविष्य मुझे उसमें दिखता नहीं है। अभी चुनाव चल रहा है, सिर्फ 7 दिन महज रह गए कैंपेन के पहले चरण के, अभी तक एक सभा वो प्लान नहीं कर पाए, बार बार टिकट चेंज किए गए, कोई चुनाव लड़ने की रणनीति नहीं उनके पास। सपा एक सवाल बार बार कह रही है कि फर्क नहीं पड़ता, जो आरएलडी जयंत चौधरी जी के वोटर हैं वो पहले ही भाजपा को वोट दे रहे हैं। तो अच्छा है, तो फिर हमारे वोटर उनके वोटर को फर्क ही नहीं है, फिर तो और मजबूती के साथ हम लोग एक हो गए। वो टेंशन ना लें हमारे लिए। आपसे पूछूंगी बालियान साहब, चौधरी चरण सिंह को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं, चौधरी चरण सिंह का जो लेगेसी मान लीजिए, एक ये भी थी कि सारा समाज को इकट्ठे लेके चलना है। जब भी चौधरी चरण सिंह एक स्टेज पे होते थे, जयंत जी ने आज फिर बोला कि हर समाज का हर व्यक्ति उस स्टेज पर होता था, वो मुसलमान भी था। अब परसेप्शन वाइज कहा जाता है कि मुसलमान थोड़ा बीजेपी के साथ नहीं चलता, आरएलडी क्या वो वोट ला पाएगी या वो वोट छिट जाएगा आरएलडी से? राष्ट्रीय लोकदल के आने के बाद ये एक परिवर्तन हुआ है, काफी बड़ी संख्या में मुस्लिम राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए थे और लगाव भी करते थे इस पार्टी का। तो मुझे इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट गठबंधन के उम्मीदवार को मिलेगा। मेरे यहाँ तो मुझे मिल रहे हैं, बाहर का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इस बार मुजफ्फरनगर लोकसभा है, काफी बड़ी संख्या है मुस्लिम वोट। आप मुस्लिम गांव में जाकर पूछिए, बड़ी संख्या मुस्लिम गठबंधन को वोट देगा इस बार। जो पिछली यूपी के चुनाव रहे वो कम से कम मुजफ्फरनगर क्षेत्र के लिए बढ़िया नहीं थे, क्योंकि उस वक्त ये किसी और के साथ थे और तब कम से कम 4 सीटें आपके पास नहीं आ पाई उस वक्त। आपको लगता है वो समीकरण बदलेगा? तो अब सब साथ आगे ना इकट्ठी होगी ना सारी सीटें, तो फिर बचा क्या है? इस बार आपको लगता है साथ बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है ना, नल कमल के साथ जाएगा? देखिए, पानी के बाद पहले नल चलेगा, पानी आएगा फिर कमल खिल जाएगा। बस चलिए, बस 2 सवाल और जैन जी आपसे पूछूंगी, वही सवाल, आपको लगता है जो मुस्लिम वोटर है जो आपके साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि आप अभी अगर एक मैसेजिंग देंगे उनके लिए भी देंगे, हमेशा स्टेज पे जाते हैं उनके लिए भी बोलते हैं, आपको लगता है वो वोटर आपके साथ रहेगा इस गठबंधन के बाद? अभी हम कैराना में मीटिंग करके आए, बहुत बड़ी तादाद में भीड़ में भी वहाँ अल्पसंख्यक मुसलमान दिखाई दे रहे हैं, हमारे वर्कर भी हैं, नेता भी हैं, और हमने उनके लिए काम भी किया है, काम आगे भी करेंगे। मैंने अपने सभी विधायकों को कहा है कि 51% अपनी निधि वो अल्पसंख्यक जो उनके क्षेत्र में रहते हैं उस समाज में, और अनुसूचित जात जो वर्ग है, दलित वर्ग है, वहाँ उनके विकास और उत्थान के लिए लगाएं। थैंक यू जयंत जी दैट यू ज्वाइंड अस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।